तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं, ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे, दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी, मुज़म्मत करते हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये अफगानिस्तान के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर शिकस्त से दो चार हो चुकी। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन मामलों में तहकीकात नहीं चाहती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए, ख्वाजा आसिफ में दमखम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर यूब। वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, ख्वाजा आसिफ ने दहाई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की। क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? जरताज गुल की मीडिया टॉक। अज़म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन का गलत तासुर लिया गया। कोई ऑपरेशन होगा ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। अज़म इस्तेहकाम का मकसद नेशनल एक्शन प्लान में नई रूह फूंकना है। अज़म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का ही तसलसल है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए कसीरुलजहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। दहशत गर्दों को सदाएँ दिलवाने के लिए मुअसर कानून साजी की जाएगी। अज़म इस्तेहकाम के जरिए स्मगलिंग और मुनशियात की बेखुनी की जाएगी। गैर कानूनी ज़राए आमदन से दहशत गर्दों की माली आनत होती है। दहशत गर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्द खारिज हैं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिक्योरिटी ज़राए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपये के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम की मुखालफत कर दी है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट ड्यूटी की ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैन अल-अक़वामी फ़दाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शिक मंजूर। 1 जुलाई से बैन अल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। बिजनेस क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की मुराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक तरमीम का सूरत राय से मंजूर कर ली है। अरकान का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में मुराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतलका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में वापसी। वज़ीर आज़म से बजट मंजूरी के बाद वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम दोस्त बजट मंजूर होने पर सराहा। वफाकी बजट मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मुआवन साबित होगा। पूरी कोशिश की आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स, मज़दूरों को रिलीफ दिया। सेहत, तालीम, ज़राअत, आईटी की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दी। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मुराद दी जाए। पाकिस्तान की मुईशत दुरुस्त समत की जानब गामजन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट आवाम के खिलाफ इक्तसादी दहशत गर्दी है, किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाए। यह हुकूमत खुद मुआशी दहशत गर्दी कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान, भारत से ताल्लुकात खराब। चीन ने झंडी करवा दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि अफगानिस्तान अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे, ऐसा करने से दहशत गर्दी बढ़ेगी। अपोजिशन वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करती है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, कशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकते, भारी दिफाई खर्चात होंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर यूब का कौमी असम्बली में खिताब।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपये मिले। किसी और सूबे को एक ढेला नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा 590 अरब रुपये मिलने के बावजूद एक आज तक CTD कायम नहीं कर सका। हमने खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए मगर अभी तक फैसला नहीं हो सका। अगर कहें तो एक और नाम दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के गुजूर अवाम है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की ऐबान में बिलावल भुट्टो से नशिस्त पर जाकर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त। अपोजिशन हमेशा ही शोर शराबे में रहती है। बस कर दो, अब पाकिस्तान को चलने दो। ये शोर मचाएंगे और हम काम करेंगे। ये 300 साल भी ले लें तो हमारे 100 दिन के बराबर काम नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारगर्दगी पर बनती है। खाने, वर्जिश और घूमने फिरने की टिकटॉक नहीं बनती। मुझे अपोजिशन पर तरस आता है। हम इनको कारगर्दगी से मारेंगे। ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। शर्मो हया उनको उस वक्त करना चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म इनको तब करना चाहिए थी जब इन्होंने तोशाखाना को कारोबार बना लिया था। ज़ियाला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान पर बजट इजलास के दौरान नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का इल्ज़ाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत मौतल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अरकान पर 15 रोज के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करने पर पाबंदी आयद। जुल्फिकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आरिफ, शेख इम्तियाज शामिल, हाफिज फरहत अब्बास, एजाज शेफी, शुएब अमीर पर भी पाबंदी आयद। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का 3056 अरब रुपये का बजट मंजूर। अपोजिशन की पेश करदा तमाम कटौती की तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात में कमी के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध के तमाम तहरीक की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। हिजब इख्तलाफ ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। फाइनेंस बिल की कापियाँ भी फाड़ दी। तरमीम शामिल ना करने पर MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। तोहीन अदालत केस में फैसल वापडा और मुस्तफ़ा कमाल के गैर मशरूत माफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तोहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। TV चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी। आपकी माफी आ गई है, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की जरूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाप्त अटर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता, आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुतालिक कहे। अटर्नी जनरल का जवाब, रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी, अदालत का हुक्मनामा। अदालत से माफी मिलने पर फैसल वापडा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा शुक्र। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कई शहरों में बारिश और हवाओं के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, तुरबत 44 और जैकबाबाद में पारा 43 डिग्री को छू गया। कराची में 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक, हलाकतों की मजमू तादाद 26 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। II चंद्रीगढ़ रोड, सदर गार्डन के एतराफ में बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और KP में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बारिश हो सकती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, अवाम बिल बिला उठे। कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गैर अलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली कौमी शाहरा खिला सैफुल्ला पर मुजाहिरा। नौशकई, मंचगर, मस्तूंग में मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का गैपको हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।